नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। जैसा कि महिंद्रा ने कहा था कि वो थार को 15 अगस्त के दिन जनता के सामने लाएगा, ठीक उसी प्रकार महिंद्रा ने किया। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं कि इस गाड़ी में अगर कुछ पुराना है तो वो है गाड़ी का नाम। बाकी हर एंगल से गाड़ी नई है, और नई ही नहीं बल्कि प्रीमियम और काफ़ी रिच लुक्स हैं। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 7 स्लॉट रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, जैसा कि आप अभी तक जीप की गाड़ियों में देखते आए हैं। सर्कुलर शेप्ड हैलोजन हेडलैम्प से दिए गए हैं, और साथ ही साइड में LED DRLs भी मिल जाते हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि थार में भी DRL मिल सकता है। इसके अलावा नीचे आपको डुअल टोन हैवी बम्पर मिलता है, जिसके साइड में फॉग लैंप्स भी दिए हुए हैं। साइड से देखा जाए तो इसके पीछे 4x4 की बैजिंग दी गई है, और फ्रंट में थार की। नीचे 18 इंच के 5 स्पोक एलॉय व्हील्स मिलते हैं। साइड में आपको एक डोर मिलता है जिसमें ORV माउंटेड है। ब्लैक कलर के डोर हैंडल के साथ में हार्ड टॉप भी आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है। साइड से भी गाड़ी काफ़ी अपीलिंग है, वैसे आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह से इसकी प्रेजेंस काफ़ी दमदार है। बात इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल की करें तो अब आप इसे पीछे से देखकर बता ही नहीं सकते कि ये देसी SUV थार है। लगता है कि कोई प्रीमियम SUV है। बैक में LED टेल लाइट्स दी हुई हैं, और फ्रंट की तरह डुअल टोन हैवी बम्पर भी। बैक डोर में एक 5 स्पोक एयर व्हील भी दिया गया है। बात इंटीरियर की करें तो एक नज़र में देखकर आप बता ही नहीं सकते कि ये थार का इंटीरियर है। स्टीयरिंग में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं, और एक बेहतरीन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। सेंट्रल कंसोल में भी काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, और TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया हुआ है। अगर आप TPMS के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है। रूफ माउंटेड स्पीकर्स हैं। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, यानी आप इसका हाइट एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन रीच नहीं। और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट के साथ ही गाड़ी IP वाटर रेसिस्टेंस है, मतलब आप इसे अंदर से भी धो सकते हैं लेकिन ऐसा करिएगा नहीं। 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और बात सेफ्टी फीचर्स की करें तो डुअल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर और ब्रेक असिस्ट जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिल जाते हैं हर एक वेरिएंट में। पहले आपको इसमें 2.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता था, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, लेकिन यहाँ पर महिंद्रा ने कुछ बदलाव किए हैं। जैसे अब आपको इसमें पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी AMT के साथ। इसमें 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 150 BHP का पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा, जो कि 6-स्पीड मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल होगा। 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही इसमें 2.2 लीटर का MHOG डीजल इंजन भी मिलेगा जो 130 BHP की पावर जनरेट करेगा और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। इस इंजन में आपको 6-स्पीड मैनुअल के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाया करेगा। ये गाड़ी महिंद्रा के 3rd जनरेशन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, और इस गाड़ी में आपको 3 वेरिएंट्स मिला करेंगे, जिसमें बेस वेरिएंट होगा AX, मिड वेरिएंट होगा AX ऑप्शनल, और टॉप वेरिएंट होगा LX। और इस गाड़ी में 57 लीटर्स का फ्यूल टैंक दिया गया है, और 4x4 इसके हर एक वेरिएंट में मिल जाता है। अब आखिरी में इस गाड़ी की लॉन्च डेट बता दूँ, महिंद्रा ने इसे ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो इस गाड़ी को 2 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे इंडियन मार्केट में। कमेंट कर बताएं कि कैसी लगी आपको नई महिंद्रा थार। क्या आप अब भी इसे देसी SUV के रूप में देखते हैं? साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।